सो हे गाइस, वेलकम बैक। तो हमारी आज की वीडियो है वेयर इज डीयू जेट 2020 रिजल्ट। तो यार देखो, डीयू जेट के रिजल्ट के रिगार्डिंग काफी ज्यादा कंफ्यूजन चल रही है सभी के मन में, एंड मेरे पास काफी कमेंट्स हैं डीएम आ रहे कि भैया ये हमें बोल रहे हैं कि 19 तारीख को आ रहा है, एंड कोई वेबसाइट बोल रही है कि इस दिन रिजल्ट आ रहा है, एंड कहीं न्यूज पे उन्होंने सुन लिया, कोई र्यूमर उन्होंने सुन ली कि इस दिन रिजल्ट आ रहा है। सो कब आ रहा है डीयू जेट का रिजल्ट? तो यार देखो, आज ऑफिशियली जो फैक्टर्स है उन्हीं को स्टडी करने के बाद, एनालाइज करने के बाद एंड आपको बताने के बाद मैं आपको कोशिश करूंगा एक डेट बताने की। बट फिर भी यार पूरी वीडियो को एंड तक देखो, बिकॉज कुछ बातें भी आपके साथ मुझे शेयर करनी है। सो अब हम चलते हैं हमारी वीडियो की तरफ। तो यार सबसे पहले यार हम डीयू जेट के रिजल्ट के बारे में बात करें, तो सबसे पहला जो हमें हिंट मिलता है रिजल्ट आने का, वो तो डीयू की तरफ से जो ऑफिशियल शेड्यूल रिलीज हुआ था, एंड उस शेड्यूल में जो है डीयू के कट ऑफ बेसिस, जो मेरिट बेसिस के एडमिशन है उनकी डेट्स भी मेंशन थी, एंड डीयू के जो एंट्रेंस बेस का एडमिशन प्रोसेस है उनकी डेट्स भी मेंशन थी। तो अगर यार देखो, मैं उसका शेड्यूल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगा। सो उसमें यार देखो क्लियरली ये चीज मेंशन है, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है शेड्यूल फॉर यूजी एंट्रेंस बेस्ड एडमिशन प्रोसेस। अब देखो यहां पे, अगर आप देखोगे यहां पे लिखा हुआ है एडमिशन अगेंस्ट फर्स्ट मेरिट लिस्ट, दैट मींस कि जो फर्स्ट मेरिट लिस्ट, मतलब जो भी फर्स्ट मेरिट लिस्ट में स्टूडेंट्स को कॉलेज अलॉट होंगे उसके अगेंस्ट वो एडमिशन अपना जो है 19th अक्टूबर 2020 से ले सकते हैं सुबह 10 बजे। दैट मींस 19 अक्टूबर को सुबह 10 बजे पोर्टल ओपन हो जाएगा आपके एडमिशन लेने के लिए जो भी कॉलेज आपको अलॉट होगा। फिर से समझा रहा हूं मैं आपको, इसमें लिखा हुआ है, एक बार आप दोबारा पढ़ो यहाँ पे, एडमिशन अगेंस्ट फर्स्ट मेरिट लिस्ट, दैट मींस कि जो एडमिशन है, जो भी फर्स्ट मेरिट लिस्ट में, आपको नहीं पता तो एक लिस्ट प्रिपेयर होती है एंड उसमें जो भी रैंक्स होती है, रैंक वाइज कॉलेजेस अलॉट होते हैं स्टूडेंट्स को, एंड जो भी कॉलेज उन्हें अलॉट होंगे वो उन कॉलेजेस में एडमिशन ले पाएंगे। देखो यहां लिखा हुआ है एडमिशन अगेंस्ट फर्स्ट मेरिट लिस्ट 19 अक्टूबर से सुबह 10 बजे। दैट मींस आपको पता होगा कि जैसे कट ऑफ है 12 तारीख को, एडमिशन उन कट ऑफ के बेसिस पे लोग ले पा रहे थे, उन्होंने लेना स्टार्ट कर दिया था, एंड कट ऑफ एक दो दिन पहले आना स्टार्ट हो गई थी, एंड एक दिन पहले दैट इज 11 को कट ऑफ आ गई थी मेरिट बेसिस के लिए। अब यहां पर लिखा हुआ है कि एडमिशन अगेंस्ट फर्स्ट मेरिट लिस्ट, दैट मींस कि जो भी कॉलेज आपको फर्स्ट मेरिट लिस्ट में अलॉट होंगे उन कॉलेजेस में आप अप्लाई कर पाओगे 19 अक्टूबर को सुबह 10 बजे। ठीक है ना, समझ में आ गई ये चीज? तो अब बात करते हैं, जब यार आपको कॉलेज अलॉट हो जाएंगे एंड आप अप्लाई 19 अक्टूबर को कर पाओगे एंड आपका पोर्टल भी 19 अक्टूबर को ओपन हो जाएगा, तो यार ये तो कॉमन सी बात है कि जो आपका रिजल्ट है वो आपका पहले ही आना होगा। अब देखो एक फैक्टर और बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, एंड वो है प्रेफरेंस चेंज करने का। देखो यार ये मैंने आपको अपनी डीयू जेट के एडमिशन प्रोसीजर में बता दिया था कि जब रिजल्ट आता है, रिजल्ट के एक दिन बाद आपको एक दिन का टाइम मिलेगा, जो भी आपने कॉलेज जो कोर्स की प्रेफरेंस दी थी उसको आप अल्टर कर सकते हो, उसको आप एडिट कर सकते हो। सो यार अगर आप देखो, अगर हम जो लोग आपको ये बोल रहे हैं कि 19 अक्टूबर को रिजल्ट आएगा एंड उसके बाद एडमिशन होगा, सो यार देखो मेन चीज है कि यहां पे एक तो भाई बात लिखा हुआ है, क्लियरली लिखा हुआ है यार कि एडमिशन अगेंस्ट फर्स्ट मेरिट लिस्ट, एडमिशन अगेंस्ट सेकंड मेरिट लिस्ट, मतलब जो सेकंड मेरिट लिस्ट आएगी उसके लिए आप एडमिशन 26 अक्टूबर से ले सकते हो। तो यार जब अगर 19 अक्टूबर को आप फर्स्ट मेरिट लिस्ट में अपने जो भी कॉलेज आपको मिलेगा उसके लिए आप अप्लाई कर सकते हो, तो एक तो रिजल्ट आपका पहले आएगा, जो भी एक दो दिन पहले रिजल्ट आएगा, एंड आपके रिजल्ट आने के बाद भी आपको एक दिन का टाइम मिलेगा आपकी जो भी कॉलेज है और जो आपकी प्रेफरेंस है और उसको आप एडिट कर सकते हो। तो जब तक आपको आपका कॉलेज प्रेफरेंस एडिट करने का ऑप्शन नहीं मिलेगा और ऑल्टरेशन का ऑप्शन नहीं मिलेगा, तो तब तक आप यार आपको कैसे कॉलेज अलॉट हो जाएंगे और कब तक आपका एडमिशन हो पाएगा बिना ऑल्टरेशन के? ठीक है ना, देखो ये चीज मैं खुद नहीं बोल रहा, ऑल्टरेशन का ऑप्शन यूजी बुलेटिन में लिखा हुआ है, ये चीज उन्होंने क्लियरली लिखा हुआ है कि रिजल्ट आने के बाद डीयू जेट के एक दिन का टाइम आपको मिलेगा आपकी जो प्रेफरेंस है उसको एडिट करने का। एंड यार हर साल यही होता है, रिजल्ट के बाद एक दिन मिलता है जिसमें आप अपनी कोर्स और कॉलेज की प्रेफरेंस को एडिट कर सकते हो। तो यार अब ये चीज आप खुद ही देख लो, जब 19 अक्टूबर को आप एडमिशन ले सकते हो, सो उससे पहले ही आपको जो आपके कोर्स और कॉलेज की प्रेफरेंस चेंज करने का ऑप्शन मिलेगा, बिकॉज जब आप अपनी प्रेफरेंस को चेंज कर पाओगे उसी के बाद तो आपको कॉलेज अलॉट होगा, एंड प्रेफरेंस चेंज करने से पहले आपका रिजल्ट आएगा। तो अब देखो यार मेन चीज है कि ये सब चीज एक सीरीज वाइज चलेगी, एंड आपको खुद ही समझ में आ गया होगा कि जब 19 से आपको एडमिशन होने के लिए आपको आप अप्लाई कर सकते हो उस कॉलेज में जो भी आपको अलॉट होगा, सो उससे पहले आपको प्रेफरेंस चेंज करने का ऑप्शन आएगा, एंड प्रेफरेंस चेंज करने से पहले आपको जो है आपका रिजल्ट आएगा। सो अब यार देखो, मैंने आपको बोला था कि यार 12, 13, 14 को आपका रिजल्ट आ सकता है, बट यार डीयू ने, एनटीए ने फिर से वही करा, लेट कर दिया, एंड अभी तक उन्होंने फाइनल आंसर की भी रिलीज नहीं करी।
थी। एंड अब मैं क्यों बोल रहा हूँ फाइनल आंसर की, बिकॉज देखो यार इंटरिम आंसर की रिलीज हुई थी उसमें आपके पास ऑप्शन था कि आप जो भी क्वेश्चन या फिर आंसर आपको गलत लग रहे हैं उनको आप चैलेंज कर सकते हो। लेकिन देखो यार मेन चीज ये है कि अब जब लोगों ने चैलेंज करा तो उसके बाद एक फाइनल आंसर की प्रिपेयर होती है एंड वो डिक्लेयर होती है एंड उस फाइनल आंसर की के बेसिस पे ही स्टूडेंट्स का रिजल्ट डिक्लेयर होता है। अब उन्हें फाइनल आंसर की डिक्लेयर करनी पड़ेगी बिकॉज यार देखो जिन्होंने पैसे लगाए हैं, जिन्होंने 200 रुपए पर क्वेश्चन दिए हैं, तो अब जिसने भी 200 रुपए पे किए होंगे वो सोचेगा कि यार जिसके लिए मैंने, जिस क्वेश्चन के लिए या फिर जिस आंसर के लिए मैंने वो पे करे हैं क्या वो सही में ठीक हुआ भी है फिर नहीं हुआ है, और वो पता क्या चलेगा, वो पता चलेगा फाइनल आंसर की के आने के बाद। तो इसलिए यार सबसे पहले तो उनको फाइनल आंसर की ही रिलीज करनी पड़ेगी एंड फाइनल आंसर की के आने के बाद रिजल्ट आएगा। रिजल्ट के बाद आपको एक दिन का टाइम मिलेगा आपकी जो प्रेफरेंस है कोर्स और कॉलेज की उसको ऑल्टर करने का एंड उसी के बाद आपका जो है एडमिशन स्टार्ट होगा जो भी कॉलेज आपको अलॉट होंगे उसके बेसिस पे। तो इसलिए यार अब आपके आई थिंक सो कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे इसी के रिगार्डिंग एंड मैंने आपको सब कुछ ही ऑफिशियली वे में बताया कि जो जो चीजें ऑफिशियली डिक्लेयर हुई हैं, जो जो हिंट आए हैं हमारे पास उसी के अकॉर्डिंग मैंने आपको डेट बताई है। बट पता नहीं यार ये DU NTA क्यों इतना डिले कर रहे हैं इस चीजों में, जल्दी से करके खत्म करना। देखो इतने बड़े बड़े पेपरों के रिजल्ट ऑलरेडी आ चुके हैं, पता नहीं क्यों। एंड पिछले साल भी इतना डिले हुआ था, बट पिछले साल सारा चीजें जो है शेड्यूल टाइम पे ही हो रही थी एंड इस साल तो ऑलरेडी यार इतने महीने लेट हो गए हैं हम, तो अब तो प्लीज चीजें कर दो आगे, एडमिशन दे दो। कट ऑफ बेसिस पे, मेरिट बेसिस पे एडमिशन ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं। सो प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है, अगर किसी के पास जा रही है और कोई ऑफिशियल मेरी वीडियो देख रहे हैं, सो प्लीज जो है आप जल्दी से प्रोसेस को कंटिन्यू करो DU के जेट के लिए भी एंड जल्दी से स्टूडेंट्स भी अपना एडमिशन ले पाए DU जेट बेसिस पे। बिकॉज यार आपको भी चॉइस करनी पड़ रही है कि आपको मेरिट बेसिस पे लेना है या फिर आपको वेट करना है DU जेट के रिजल्ट में। एंड अगर आपका एक बार रिजल्ट आ जाए तो आप यार एक तरफा हो जाओगे कि हाँ यार तो रिजल्ट अच्छा आया है तो आप उसके बेसिस पे ले लोगे, अगर अच्छा नहीं आया तो आप मेरिट बेसिस पे ले लोगे। तो ये एक तरीके से आपकी कंफर्मेशन हो जाएगी ना, तो यार इसके लिए वेट ही कर सकते हैं हम यार। और अभी आप बिल्कुल फेक र्यूमर्स में मत फंसो, सब कुछ डिपेंड है DU और NTA की तरफ से। मैंने भी अभी आपको एक्सपेक्टेड डेट ही बताई है, बट ये चीज क्लियर है कि 19 अक्टूबर से आप अपने कॉलेज में अप्लाई कर पाओगे, तो उससे पहले ही ये जो रिजल्ट का है और आपकी प्रेफरेंस का है वो सब पहले ही निपट जाएगा। सो देखो यार बिल्कुल भी टेंशन मत लो यार, बिल्कुल रिलैक्स होके बैठो। अभी मैं मानता हूं थोड़ी कंफ्यूजन चल रही है बिकॉज काफी लोग कह रहे हैं कि भैया हम वेट कर रहे हैं रिजल्ट का तभी हम कुछ आगे बढ़ेंगे एंड काफी लोग वेट कर रहे हैं मेरिट बेसिस का भी। वैसे यार देखो मेन चीज ये है कि अगर मेरिट बेसिस पे आप चाहो तो ले सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप जाके अगर आगे रिजल्ट आपका अच्छा रहा, आपको कॉलेज अच्छा लॉट हुआ DU जेट के बेसिस पे, तो आप सीधा अप्लाई कर सकते हो, आपका एडमिशन ट्रांसफर हो जाएगा। बट फिर भी यार हर कोई यार इस टाइम पे कंफ्यूजन में है कि क्या करना चाहिए एंड यार रिजल्ट आने के लिए सभी वेट कर रहे हैं। सो यार देखो कोई टेंशन की बात नहीं है, सही कोई अपडेट आएगा आपको मेरी तरफ से वीडियो मिल जाएगी एंड हर एक ऑफिशियल चीजों को, शेड्यूल को एंड हर एक इंफॉर्मेशन को स्टडी करने के बाद ही मैं आपको कोई चीज बताता हूं। सो इसलिए यार फेक र्यूमर में बिल्कुल मत फंसो एंड वेट करो, जैसे यार जो भी कोई अपडेट आएगा सबके लिए वीडियो आपके लिए आ जाएगी एंड हर एक प्रोसेस के लिए वीडियो आ जाएगी। सो कोई भी दिक्कत की बात नहीं है। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, आई होप ये वीडियो आपको यूजफुल लगी हो। देखो यार शेयर कर दो अपने सारे ही फ्रेंड्स के साथ, ऑल्सो यार वीडियो को लाइक कर दो अगर अच्छी लगी तो। ऑल्सो अगर अभी तक आपने मेरे चैनल सक्सेस विद संस्कार को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस नहीं किया है यार अभी कर लो, कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट है एंड जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूंगा सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी। सो मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक ले गुड बाय एंड हैव अ नाइस डे।